नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Google Pixel 6 5G versus Realme GT Neo 3 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Pixel 6 5G में 6.24 इंच जबकि GT Neo 3 5G में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Pixel 6 5G में 2.94 इंच जबकि GT Neo 3 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Pixel 6 5G में 0.35 इंच जबकि GT Neo 3 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Pixel 6 5G में 207 ग्राम जबकि GT Neo 3 5G में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Pixel 6 5G में OLED जबकि GT Neo 3 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Pixel 6 5G में 20:9 जबकि GT Neo 3 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Pixel 6 5G में 6.4 इंचेस जबकि GT Neo 3 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Pixel 6 5G में 1080x2400 और GT Neo 3 5G में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Pixel 6 5G में 83.36% जबकि GT Neo 3 5G में 87.79% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Pixel 6 5G में 411 पिक्सल प्रति इंच जबकि GT Neo 3 5G में 394 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Pixel 6 5G में दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और GT Neo 3 5G की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Pixel 6 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और GT Neo 3 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Pixel 6 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और GT Neo 3 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Pixel 6 5G में Mali G78MP20 जबकि GT Neo 3 5G में Mali G610MC6 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Pixel 6 5G में Google Tensor और GT Neo 3 5G में MediaTek Dimensity 8100 मिलता है। बात करें RAM की तो Pixel 6 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8GB 8GB की RAM मिलती है जबकि GT Neo 3 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 6GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही दो वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी Pixel 6 5G में 4614mAh जबकि GT Neo 3 5G में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही तीन कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
पिक्सल 6 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹60,570, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹78,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें GT Neo 3 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹38,999, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹42,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Google Pixel 6 5G में 4 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme GT Neo 3 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा हवाई P40 Pro है, तीसरा ओप्पो रेनो 3 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।